हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं आई हुई हूँ आगरा में। आजकल मेरे आगरा के बहुत चक्कर लग रहे हैं, रोज़ तीसरे दिन मुझे आगरा होना पड़ता है। तो आज मंडे है, मेरा फास्ट है, तो अभी मैं जा रही हूँ फ़िलहाल पूजा करने, और उसके बाद शायद आज हम यहाँ जो बहुत अच्छा मंदिर है मनकामेश्वर जी, उसके दर्शन करने भी जाएँ। तो बने रहिए आज मेरे साथ ब्लॉग में, आपको भी दर्शन कराते हैं उन जगहों के। ये देखो, रात को 3 बजे से जग जाती हैं, अब सोने लग रही है। दर्शन करने जा रहे हैं मनकामेश्वर जी के, और ये आगरा में ही है। तो चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं वहाँ के। ये है आगरा यूनिवर्सिटी का एरिया, ये मेन गेट है यूनिवर्सिटी का। तो हम वहीं से होके निकले थे मंदिर के लिए। ये छोटी सी गली में है आगे मंदिर। से बंधा हुआ है, और एक दिया और दे देना भैया, दिया एक। आप सामने दर्शन कर रहे हैं श्री मनकामेश्वर जी के। और ये है मंदिर का प्रांगण, जहाँ और भी सभी देवी देवताओं की मूर्ति हैं। मंदिर की जो महत्ता है ना, कितने साल पुराना है, क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा। जो मंदिर है, मनकामेश्वर मंदिर है, जो रावण पाड़ा में है, अंदर जो बाबा की जो मूर्ति है, अंदर एक शिवलिंग में आता है। अच्छा, और अंदर गर्भगृह है, अंदर ऊपर ही। अच्छा, जो ऊपर चांदी का चढ़ा हुआ है ना, अच्छा थोड़ा चढ़ा हुआ है, चांदी का जो जिसके दर्शन होते हैं, उसके दर्शन होते हैं। वो अंदर वाले शिवलिंग है, उसका भी मूर्ति पहले दर्शन कराते थे, पर दर्शन हमें भी नहीं देंगे। ये मंदिर की जो शिवलिंग है, 5,500 साल पुरानी है। 5,500 साल इसका बहुत गहरा है। अच्छा,
अब ये फिर इस तरह जमीन का ऊंचा होता गया तो इसलिए मंदिर नीचाई में आ गया। ऐसा था जब खुदाई हुई थी शिवलिंग जो थी वो अंदर जाती जा रही है। अच्छा जाती जा रही है। यहाँ पे पहले क्या शमशान था पूरा कोई कहानी है कहानी के साथ। हाँ पूरा कब्रिस्तान था पूरा शमशान है। धन्यवाद। कामेश्वर से फ्री होके और ये सामने मेरा भैया है मेरे चाचा का बेटा और देखो हम आज समोसे खा नहीं सकते लेकिन बेटे ने खा लिए तो हमारे लायक क्या है ये बता तेरे यहाँ स्लाइस मिला दी हमें तो कि आगरा में सबसे ज़्यादा काम इन मूर्तियों का होता है और यहाँ कितनी खूबसूरत खूबसूरत मूर्तियाँ लगी हुई हैं। ये कितनी बड़ी देवी की मूर्ति है और यहाँ देखो कितनी ढेर सारी मूर्तियाँ हैं और ये थोड़ी कलरफुल मूर्तियाँ भी हैं यहाँ पर अभी इनमें कलर हो रहा है। ये देखिए भैया यहाँ कर रहे हैं मूर्ति की सफाई। कौन की मूर्ति भैया ये शनिदेव। अच्छा हाँ शनिदेव की मूर्ति। तो ये क्या पूरी मार्बल की प्योर मार्बल की मूर्ति है तो आप कहाँ बनती है यहीं पर आपके यहीं पर कटाई होती होगी इनकी मार्बल लाके। तो थोड़ा सा एक थोड़ा आइडिया देंगे प्राइस का कितने कितने रेट में है ये जैसे ये वाली मूर्ति जो है ये कितने रेट की है। हाँ ये देवी माता की है ना ये 8,000 की और ये जो साईं बाबा की बड़ी मूर्ति है 20,000 की। सब कुछ प्योर मार्बल में। तो ये हाथीघाट चौराहे पे भैया की शॉप है तो यहाँ से आप ले सकते हो रीजनेबल रेटों में यहाँ आपको ये मूर्तियाँ मिल जाएंगी। बल हम आगे निकल रहे थे तो यहाँ पे हमें खाटू श्याम जी का मंदिर दिखाई दिया जो अभी नया ही बना है। चलो हम भी दर्शन करते हैं और आपको भी। ये मेन एंट्रेंस है मंदिर का। भीड़ भाड़ है मंदिर में। बड़ा ही खूबसूरत बनाया हुआ है। यही उतारनी पड़ेगी चप्पल। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है इस समय। दर्शन करके हम लोग घर आ गए और बहुत भीड़ थी आज मंदिरों में। वो अचानक हमने वो रोड लिया तो वहाँ खाटू श्याम जी का भी मंदिर मिल गया तो उसके भी दर्शन कर लिए हमने। बाकी वो रोड में नहीं था जिधर से हमें आना था उस साइड नहीं था लेकिन वो रोड टर्न कर रखी थी। चलो ऐसे दर्शन होते हैं तो दिखाओ मुझे मत दिखाओ। मेरा बेटा तो ये कह रहा आप अपने चैनल का नाम ना दर्शन भक्ति चैनल रख लो दिन भर मंदिर दिखाती रहती हूँ। अभी मथुरा वृंदावन यहाँ मंदिर ही है और है क्या। चलिए तो आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में।
अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।